नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईपीएल टूर्नामेंट के 22वें टी20 मुकाबले के बारे में, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। देखिए, इस मैच के ड्रीम इलेवन टीम बनाने में आपको क्रेडिट पॉइंट का काफी इशू रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम उस क्रेडिट पॉइंट्स को मेंटेन करके अपनी एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करेंगे, जो स्टेट्स है उनका यूज करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग लॉस में चल रहे हैं, आप लोग विन में चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, फिर देखिए आपको अपनी टीम बनाने में कितनी आसानी होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक माई टीम इलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज 1 करोड़ का लीडर बोर्ड है जो कि आईपीएल के लास्ट में आप ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका नंबर भी लग सकता है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी किस्मत को आजमाइए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको टीम न्यूज, पिच रिपोर्ट या फिर जो ड्रीम इलेवन टीम है, मैच प्रेडिक्शन है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है और भी यूनिक चीजें आपको मिलेगी, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में कौन सा प्लेयर बढ़िया कर सकता है, आप उसका अंदाजा लगा सकेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज किंग्स इलेवन पंजाब के मैच की, जो कि आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि फाइनल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। 61,000 से ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं, तो आप दूर मत रहिए, बिकॉज टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो मैच है वो फ्रेश पिच पे हो रहा है या फिर पुराने वाले पिच पे हो रहा है। फाइनल जो ड्रीम इलेवन टीम है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी टॉस होने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेन्यू को लेकर, तो आज का जो मैच है वो खेला जाएगा दुबई में। अब दुबई की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5000 लाइक का टारगेट है यार, 5000 लाइक्स तो आपको करने पड़ेंगे। कल के वीडियो में 4700 या फिर 4800 लाइक आए थे, अगर 200 लोग और कर देते ना तो 5000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, एक लाइक तो बनता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो दुबई की पिच है वो अभी तक जैसा कि हमने देखा है तो न्यूट्रल रही है, बोथ बैट्समैन एंड जो बॉलर्स है उनके लिए इक्वल रही है, दोनों को सपोर्ट मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैच देख रहे हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, डिफिकल्टीज आ रही है उनके सामने खेलने में, और पावर प्ले में ही उनकी सबसे ज्यादा विकेट्स गिर रहे हैं जो टीम दुबई में सेकंड बैटिंग कर रही है। देखिए, लास्ट मैच में तो है वो जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसने 181 रन बनाए थे बिना विकेट्स खोए, लेकिन एक मैच ऐसा हुआ था जहां पे विकेट्स नहीं गिरे थे, लेकिन लगभग जो 8-9 मैचेस हुए हैं वहां पे सेकंड टीम जो बैटिंग कर रही है उसको दिक्कतें आ रही है, और जो हो रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आज के मैच में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, थोड़ी सी चेंजेस है हो सकते हैं, जैसे कि पिछले मैच में हुआ कि विकेट्स नहीं गिरे। अब हम लोग बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में जो कि दुबई में अभी तक ये मैचेस खेल चुकी हैं इसी आईपीएल के। अब दुबई में जब ये मैचेस खेली हैं तो क्या कुछ रहा है इन टीमों में, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे लेके आया हूं। देखिए, किंग्स इलेवन पंजाब है जो कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेली थी दुबई में पहला मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने 157 रन किए थे 8 विकेट पर, और किंग्स इलेवन ने वापस 157 रन किए थे। मैच रहा था टाई, टॉप परफॉर्मेंस रहे थे मयंक अग्रवाल 89, सेल्डन कोटरेल 2 विकेट और मोहम्मद शामी 3 विकेट। किंग्स इलेवन ने नेक्स्ट मैच आरसीबी के अगेंस्ट खेला, जहां पर 206 रन किए थे किंग्स इलेवन ने, आरसीबी 109 रन पर ऑल आउट हो गई, यानी कि सेकंड टीम बैटिंग कर रही थी आरसीबी और आप देख सकते हैं केवल 109 रन बना पाई।
टॉप जो प्लेयर रहे थे यहाँ पे केएल राहुल 132, मयंक 26, सेल्डन कोटरेल 3 विकेट, रवि बिश्नोई 3 विकेट और मुर्गन अश्विन 3 विकेट। देखिए सेकंड जो इनिंग शुरू होती है वहां पे जो स्पिनर्स है उनको भी मदद मिलना शुरू हो जाता है, बिकॉज शायद बॉल है वो थोड़ा फंस के आता है जिसकी वजह से स्पिनर्स को वहां पे मदद मिलना शुरू हो जाता है। तो एक एक चीज आप लोग है वो नोट करके रखेगा। अब किंग्स इलेवन यहां पे सीएसके के अगेंस्ट भी खेल चुका है दुबई में, जहां पर किंग्स इलेवन ने 178 रन किए थे और सीएसके ने जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस टारगेट को बिना विकेट गवाए भी चेस किया था। टॉप यहां पर परफॉर्मेंस रहे थे, केएल राहुल ने 63 किए थे और निकल्स पुरन ने 33 रन किए थे। अब हम लोग बात करते हैं एसआरएच के मैचेस को लेकर, तो एसआरएच है जो कि यहां पर आरसीबी की अगेंस्ट खेला था, आरसीबी ने 163 रन किए थे 5 विकेट पर और एसआरएच 153 रन ही बना पाया, 10 विकेट्स गए। तो सेकंड टीम बैटिंग की और टारगेट को चेस नहीं किया और विकेट्स भी ज्यादा गिर रहे हैं, यानी कि जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है उसके विकेट्स भी ज्यादा गिर रहे हैं। तो जो टीम पहले बैटिंग करे बाद में बॉलिंग करे उसके बॉलर्स को थोड़ा सा आप ज्यादा है वो ले सकते हैं, ये मैं आपको स्टेट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जॉनी बेस्टो और मनीष पांडे ने इस मैच में बढ़िया बैटिंग की। बाकी एसआरएच है वो सीएसके के अगेंस्ट खेली, वहां पे भी एसआरएच ने 164 रन बनाए 5 विकेट पर, सीएसके 157 रन ही बना पाया, यानी कि अगेन टारगेट चेस नहीं हुआ। और यहां पर जो टॉप परफॉर्मेंस रहे प्रियम गर्ग 51, मनीष पांडे 29, अभिषेक शर्मा 31 और टी नटराजन को 2 विकेट मिले। तो ये कुछ स्टेट्स रहा है अभी तक दुबई का जब ये दोनों टीमें खेली हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोनों टीमों के 6 ओवर्स के पावर प्ले को लेकर कि 6 ओवर्स के पावर प्ले में इनकी क्या कंडीशन रही है अभी तक के मैचेस में। देखिए सबसे पहले पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब ने पहले मैच में 34 रन पर 3 विकेट गवाए थे 6 ओवर्स में, सेकंड मैच में 9 विकेट इन पावर प्ले, थर्ड मैच में 9 विकेट इन पावर प्ले, फोर्थ मैच में 39 रन पर 2 विकेट, लेकिन पांचवें मैच में अभी तक 5 मैच खेले हैं, 5 में से केवल 2 मैच हैं जहां पे पावर प्ले में इनके विकेट गिरे हैं और 3 मैच में नहीं गिरे हैं। यानी कि जो केएल राहुल है और जो मयंक अग्रवाल है वो काफी बढ़िया खेल रहे हैं, यानी कि टीम को शुरू में संभाल रहे हैं, विकेट नहीं खो रहे हैं और इसी के कारण आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद 18 पर 1, 24 पर 1, एक मैच ऐसा हुआ जहां पर उनका पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरा, बाकी 1 पर 1 और 34 पर 1, यानी कि 4 में से 5 में से केवल एक मैच ऐसा है जहां पर इनका पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरा, अदरवाइज इनके विकेट्स गिर रहे हैं। ये चीज मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर दोनों के साथ जाते हैं। और कल के मैच में भी मैंने आपको बोला डुप्लेसी और वाटसन में से एक को लीजिए और उसे ही आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अगर आप लोग दोनों को लेते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता, इसीलिए मैंने आपको एक की एडवाइस दी थी। अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर्स बैटल को लेकर। देखिए प्लेयर्स बैटल में क्या है, डेविड वार्नर वर्सेस मोहम्मद शमी, रन किए हैं 50 डेविड वार्नर ने, 34 गेंदे खेली और एक बार मोहम्मद शमी ने आउट किया है। मनीष पांडे वर्सेस शमी, तो मनीष पांडे ने 30 रन किए हैं 27 बॉल में और एक बार मोहम्मद शमी ने आउट भी किया है, यानी कि मनीष पांडे को काफी दिक्कतें कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मोहम्मद शमी, बिकॉज 27 बॉल में 30 रन और एक बार आउट किया है। डेविड वार्नर वर्सेस मैक्सवेल के बारे में बात करें तो 25 रन किए हैं 20 बॉल में और एक बार मैक्सवेल ने डेविड वार्नर को आउट भी किया है। देखिए वैसे तो मैक्सवेल है वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि डेविड वार्नर के अगेंस्ट शायद जो मैक्सवेल है वो बॉलिंग करते हुए आपको नजर आए, और अगर आए तो उसका एडवांटेज भी उनको मिल सकता है। यहां पर केन विलियमसन वर्सेस मोहम्मद शमी, 16 रन किए हैं 15 बॉल में, 2 बार आउट किया है, यानी कि केन विलियमसन भी खासा परेशान रहते हैं मोहम्मद शमी से। केएल राहुल वर्सेस संदीप शर्मा 48 रन किए हैं 39 बॉल में और एक भी बार आउट नहीं किया है, यानी कि केएल राहुल है जो कि संदीप शर्मा को खासा बढ़िया खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो विकेट्स गिरते हैं तो मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल जो कि शायद अच्छा नहीं खेल पाएंगे वो आप देख सकते हैं, मयंक अग्रवाल को संदीप शर्मा ने 3 बार आउट किया है 34 बॉल में। तो पावर प्ले में अगर विकेट्स गिरता है तो मयंक अग्रवाल जा सकते हैं, बाकी देखिए क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैक्सवेल वर्सेज राशिद खान, तो यहाँ पर 30 रन किए हैं 29 बॉल में और एक भी बार आउट नहीं किया है, ये बैटल है जो कि आपकी मदद कर सकता है अपनी टीम बनाने में। अब हम लोग बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में। देखिए किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से क्रिस गेल है वो जो कि ग्लेन मैक्सवेल की जगह खेल सकते हैं, ये टीम न्यूज की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं। जैसन होल्डर और मोहम्मद नबी है जिनको प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है, बिकॉज
जो जैसन होल्डर है वो सिलेक्शन के लिए रेडी है और उनको खिलाया जा सकता है। बाकी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है। मुझे भी यहां पर खेल सकते हैं, प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं क्रिस जॉर्डन की जगह, बिकॉज क्रिस जॉर्डन को पिछले मैच में मौका मिला बहुत महंगे साबित हुए, तो मुझे कैन बी इंक्लूडिंग इन प्लेइंग 11 प्रेस ऑफ क्रिस जॉर्डन। जी हाँ, अब इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करें तो यहां पर जो डेविड वार्नर है वो यहां पर सबसे ज्यादा लीडिंग रन गेटर वीएस किंग्स 11 पंजाब IPL with 819 और he has score 50, यानी कि उसने हर मैच में 50 रन किए हैं लास्ट 8 इनिंग्स में वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। जी हाँ, जो डेविड वार्नर है उसने लास्ट 8 इनिंग्स जो उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट खेली है सब मैच में उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है, यानी कि हाफ सेंचुरी की है। उसके बाद SRH has the lowest run rate in death overs, यानी कि SRH की death overs में सबसे lowest run rate है, वहीं पर Kings 11 पंजाब की सबसे highest run rate है। यहां पर आप देख सकते हैं 14.81 की, तो इस चीज को भी आप लोग है वो नोट करके रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। देखिए, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल है जो कि ओपनिंग करेंगे, दोनों ही फॉर्म में हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला कि पावर प्ले में विकेट्स भी इनके नहीं जा रहे हैं, तो देखिए आप दोनों को तो शायद नहीं ले पाएंगे, अगर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे जाकर जॉनी बेस्टो में से किसी एक को बार करना पड़ेगा। दोनों फॉर्म में है, लेकिन जो जो यहां पर हमने प्लेयर्स बैटल की बात की वहां पे केएल राहुल मयंक अग्रवाल से बेहतरीन मुझे लगते हैं। मनदीप सिंह पिछले मैच में खेले 27 रन किए, काफी अच्छा खेल रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा निकल्स पूरन फॉर्म में आ चुके हैं। चार नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल है जो कि फ्लॉप चल रहे हैं और क्रिस गेल शायद इनकी जगह खेल सकते हैं। सरफराज खान ग्रैंड लीग पिक है, मैक्सवेल अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में लीजिएगा और एक टीम में कैप्टन भी जरूर बनाइएगा ग्लेन मैक्सवेल को। क्रिस जॉर्डन इनकी जगह पर है, वो मुजीब खेल सकते हैं। एच बरार, उसके बाद मोहम्मद शामी जो कि यहां पर कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, लास्ट मैच में नहीं मिला, कोटरेल बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद रवि बिश्नोई है जिनको लास्ट 3 मैचेस में कोई भी विकेट्स नहीं मिला है, तो यहां पर जो एसआरएच की तरफ से ओपन बॉलर्स होंगे वो होंगे कोटरेल, मोहम्मद शामी और डेथ बॉलर में यहां पर कोटरेल, शामी और जॉर्डन अगर खेलते हैं तो ये तीनों आपको लास्ट 5 ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये यहां पर रही पंजाब। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में जो कि एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की। तो यहां पर जॉनी बेस्टो एक मैच में रन कर रहे हैं, एक मैच में फ्लॉप हो रहे हैं डेविड वार्नर, तो यहां पे क्रेडिट पॉइंट का आपको इश्यू बनेगा। तो दोनों में से देखते हैं कि अगर ले पाते हैं दोनों को, अदरवाइज आप लोग है एक को लेंगे और मुझे स्टेट्स के अकॉर्डिंग डेविड वार्नर बढ़िया है, बाकी मैं पर्सनली बोलूं तो जॉनी बेस्टो बढ़िया है। मनीष पांडे फॉर्म में चल रहे हैं, 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। केन विलियमसन पहले मैच में आए बढ़िया बैटिंग की, लेकिन लगातार 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। अब्दुल शमाद की जगह शायद विजय शंकर खेल सकते हैं, अगर विजय शंकर फिट रहे तो अब्दुल शमाद की जगह खेल सकते हैं। यहां पे गर्ग है, प्रियम गर्ग है, उसके बाद अभिषेक शर्मा, राशिद खान, संदीप शर्मा लास्ट मैच में जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे, टी नटराजन जो कि डेथ में काफी शानदार बॉलिंग करते हैं, अपनी टीम में जरूर लीजिएगा, हालांकि इनको पिछले मैच में विकेट्स नहीं मिला लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। यहां पे सिद्धार्थ कोल है जिनकी जगह पर खलील अहमद खेल सकते हैं, बिकॉज सिद्धार्थ कोल की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी, विकेट जरूर निकाले थे 2, लेकिन इकोनॉमी इनकी काफी खराब थी, काफी ज्यादा रन इन पे पड़े थे, तो यहां पर वापस सिद्धार्थ कोल की जगह खलील अहमद खेल सकते हैं। डेथ बॉलर्स में नटराजन है और संदीप शर्मा है जो कि आपको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है ताकि आपको मदद मिल सके। जो लोग वीडियोज रोज देखते हैं उन्हें पता है कि ये स्टेट्स उनकी जरूर मदद करेंगे, कुछ ना कुछ मैं नया लेकर आता हूं उनके लिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। अब चलिए ड्रीम 11 पे आ चुके हैं और बात करते हैं कि किसको हम ले सकते हैं, किसको क्रेडिट पॉइंट्स के वजह से बाहर कर सकते हैं। देखिए विकेट कीपर की बात करते हैं, सबसे पहले तो विकेट कीपर में केएल राहुल, जॉनी बेस्टो, निकल्स पूरन तीनों बढ़िया है, लेकिन अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो केएल राहुल और जॉनी बेस्टो है जिनको दोनों को ही 70%+ लोगों ने ले रखा है। निकल्स पूरन यहां पर 49% लोगों की टीम में है। अगर आप लोग सेफ टीम बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए केएल राहुल को ले लिया, अगर वो फ्लोप रहा तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सामने वाली टीम में आपको केएल राहुल मिलेंगे और कैप्टन मिलेंगे, ऐसा मैं आपको बता सकता हूं, जो कि यहां पर ड्रीम 11 में साफ दिखाई दे रहा है।
जॉनी बेस्टो सेम रहेंगे, बाकी निकल्स पूरन है, ये इनकी भी बढ़िया फॉर्म चल रही है। तो एक बार के लिए मैं केएल राहुल और जॉनी बेस्टो के साथ जा रहा हूं, क्रेडिट पॉइंट का तो इश्यू बनेगा, तो मैं आपको फाइनल टीम नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक बार के लिए बता रहा हूं। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 5000 लाइक का टारगेट है। बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं, देखिए बैटिंग सेक्शन से यहां पर डेविड वार्नर है, मयंक अग्रवाल, केन विलियमसन, मनीष पांडे, सरफराज खान आप लोग है वो ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे, मनदीप सिंह और प्रियम गर्ग, तो यहां पर इंपोर्टेंट जो रहते हैं वो ऊपर के चार रहते हैं, डेविड वार्नर, मयंक अग्रवाल, केन विलियमसन और मनीष पांडे। अब देखते हैं हम इन चारों को ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं, डेविड वार्नर, मयंक अग्रवाल, केन विलियमसन, मनीष पांडे, जहां तक हम इन चारों को ले सकेंगे अपनी टीम में जरूर लेंगे। जहां तक आपको मैं एक चीज बताऊं तो आप मयंक अग्रवाल और केएल राहुल में से एक को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं। तो यहां पर मैं एक बार के लिए बैटिंग ऑर्डर से इन चारों को मैंने पिक किया है, बाकी यहां पर मैं मनदीप सिंह के साथ भी जा रहा हूं, 8 क्रेडिट पॉइंट्स है और ऊपर भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, तो मैं मनदीप सिंह के साथ जा रहा हूं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल है, जो कि बहुत बुरी फॉर्म में है, यानी कि पिछले मैच में तो मैंने देखा कि बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा था, केवल बैट को घुमाए जा रहे थे, तो यहां पर थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, बाकी बढ़िया बैट्समैन है, कभी भी अपने रंग में आ सकते हैं। तो एक जो आपकी टीम रहेगी वहां पर आप मैक्सवेल को जरूर लेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, बाकी मोहम्मद नबी अगर होल्डर ये खेलते हैं, विजय शंकर, तो हम इनको जरूर लेंगे और मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभिषेक शर्मा, अब्दुल शमाद के साथ भी आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, तो मैं एक बार के लिए यहां से अब्दुल शमाद को भी ले रहा हूं। अब हमारे पास 25 कैंडिडेट्स रहे हैं, मोहम्मद शामी है और राशिद खान है, ये दोनों हमारी टीम में आई थिंक मुझे लगता है होने चाहिए। अब कैसे होने चाहिए, जैसे ही हम इनको लेंगे हमारे पास केवल 6.5 क्रेडिट्स बचेंगे, तो शायद हम इन दोनों को नहीं ले सकेंगे। तो एक बार के लिए मैं है वो राशिद खान को बाहर करता हूं, मोहम्मद शामी रहेंगे, उसके बाद मुजीब अगर खेलते हैं तो मुजीब हमारी टीम में रहेंगे। अब हमें 8 क्रेडिट्स के प्लेयर चाहिए, तो मैं टी नटराजन के साथ जा रहा हूं। उसके बाद एक प्लेयर की हमें और जरूरत पड़ेगी जो हम नहीं ले सकेंगे, क्रेडिट पॉइंट का इश्यू बन गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहां से मयंक अग्रवाल को छोड़ सकते हैं। देखिए मैं फाइनल नहीं बता रहा हूं, मैं लास्ट टाइम ले भी सकता हूं, टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वो टॉस होने के बाद कैसी पिच रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए मयंक अग्रवाल को यहां से छोड़ रहा हूं, और मयंक अग्रवाल की जगह मैं यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मैं किंग्स इलेवन पंजाब का एक बैट्समैन लूंगा, तो मैं निकल्स पूरन के साथ जा रहा हूं। हमारे पास 8 क्रेडिट्स आ चुके हैं और हम यहां पर 8 क्रेडिट्स में हैं, वो एच बरार को ले सकते हैं, एच बरार बढ़िया हो सकते हैं। संदीप शर्मा को मैं ले रहा हूं, एसआरएच की तरफ से हमारे पास 7 प्लेयर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा हो गए, तो मैं यहां पर है वो जा रहा हूं एच बरार के साथ, मैं एक बार के लिए जा रहा हूं। देखिए मैंने ये टीम बनाई है एक बार के लिए, इसमें चेंजेस होंगे, जरूर होंगे, इसीलिए पूरी टीम को, इस टीम को कॉपी मत कीजिएगा, ये टीम रिस्की रह सकती है, बिकॉज हमें जो भी टीम बनानी पड़ती है वो टॉस के बाद पिच रिपोर्ट आ जाती है कि फ्रेश पे होगा पुराने पे होगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस तरीके से प्लेयर को लेना है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुट जाइए, वहां पर आपको अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सॉरी मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर आपको बताऊं तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए केएल राहुल सेफ कैप्टन रहेंगे, बिकॉज आपको मैक्सिमम टीमों में मिलेंगे। जॉनी बेस्टो बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए पिक है। बाकी डेविड वार्नर के बारे में मैंने बात की कि किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट लगातार 8 मैचों में 50 करने वाले प्लेयर है केन विलियमसन। इन 4 में से मैं 2 के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए जाऊंगा, बाकी फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।